मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ठीक है, अभी हमने जो पिछली क्लास में हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस पढ़े थे और उसको बेसिक से समझाया था हमने, तो आज अभी चलिए एक बार रिकैप ले लेंगे और उसके बाद हम इसकी फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला वेरिएंस होता है वो होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, जहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक तो सॉरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक तो बढ़ जाता है प्राइस वेरिएंस और दूसरा बढ़ता है क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस को मैंने आपको बताया था हम लोग यूजर्स वेरिएंस भी कहते हैं। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, प्राइस का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और इसका मतलब होता है, इसका मतलब है ए क्यू इनटू एसपी माइनस ए क्यू इंटू एपी। क्वांटिटी का मतलब, क्वांटिटी वेरिएंस का मतलब बताया था क्वांटिटी का डिफरेंस इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, इसका मतलब क्या होता है? एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है ना सर? इसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो यूजेज वेरिएंस है या क्वांटिटी वेरिएंस है, ये फिर से दो पार्ट में बढ़ जाता है। ये बताया था मिक्स वेरिएंस, याद आ गया आपको? जहां प्रोडक्शन मैनेजर ने सस्ता माल ज्यादा लगा दिया और महंगा माल कम लगाया और कहा कि सर देखो मैंने कितनी ज्यादा, मैंने क्वांटिटी आपकी, क्वांटिटी वेरिएंस कम है, मतलब कॉस्ट मैंने मेरी वजह से कम हुई है, प्राइस की वजह से कम नहीं हुई है। तो हम क्या करते हैं, मिक्स वेरिएंस निकाल देते हैं और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में तुमने क्वांटिटी कम लगाई है कि ज्यादा लगाई है। तो मिक्स वेरिएंस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, इसका है एस सी एस एम माइनस एस सी ए एम इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है ना? अभी सबके फुल फॉर्म लिख दूंगा मैं डिटेल में। तो अब जो बचता है, अगर यूजर्स वेरिएंस में से हम मिक्स वेरिएंस निकाल देंगे तो उस वेरिएंस का नाम होगा रिवाइज यूजर्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, यानी कि एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला था वो भी बताया था मैंने आपको, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस सी एस एम। मैंने आपको ये बताया था कि एक्चुअल में आर एस क्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आर एस क्यू कैलकुलेट करने में एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमें सारी कैलकुलेशंस रेशियोज बनाने पड़ते हैं, तो एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा ना करना पड़े तो हम लोग एक एस सी एस एम मेथड को एडॉप्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस हैं,
अगर उन क्वेश्चंस को हम लोग SCSM मेथड से करेंगे सॉल्व, तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा मैंने आपको एक यील्ड वेरिएंस भी बताया था। यील्ड वेरिएंस और रिवाइज्ड यूजर्स वेरिएंस में वैल्यू वाइज कोई फर्क नहीं होता है, बट कॉन्सेप्ट वाइज फर्क होता है। यील्ड निकाला जाता है यील्ड के बेसिस पर, आउटपुट के बेसिस पर। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है ना। अब जरा जो हमने सिंबॉलिक वर्ड यूज करे हैं उन सबके नाम लिख लेते हैं। एसक्यू का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट या प्रोडक्शन। एक्यू का मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एसपी का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस। एपी का मतलब है एक्चुअल प्राइस। आर एस क्यू वर्ड यूज करेंगे हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसको हम कहते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। एक्चुअल क्वांटिटी को अगर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांटते हैं तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद कॉन्सेप्ट होता है मैंने SCSM स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर स्टैंडर्ड मिक्स। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ एसक्यू इनटू एसपी अपॉन टोटल एसक्यू। एक है SCAM, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्चुअल मिक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल ऑफ एक्यू इंटू एसपी अपॉन टोटल एक्यू, ठीक है ना सर। SCSM हो गया, SCAM हो गया, और कुछ आया इसमें नया आइटम? यस, SY स्टैंडर्ड यील्ड या आउटपुट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब यह है कि एक्चुअल क्वांटिटी में आपका कितना प्रोडक्शन तैयार हो जाना चाहिए था। AY का मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट, और एक वर्ड है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ऑफ एसक्यू इनटू एसपी अपॉन एक्चुअल आउटपुट। आप कहोगे सर यहां पर एक्चुअल आउटपुट क्यों लिया, तो अगर आपको पता हो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है ना। इसलिए हम लोग नीचे ले सकते हैं एक्चुअल आउटपुट। तो एक ये समरी मैंने आपको बताई, इस समरी से आपको मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में सब कुछ पता है। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आप इसमें से फॉर्मूलेस को बार बार लिखेंगे तो आपको कभी भी किसी तरीके की फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है सर। अब हम प्रॉब्लम शुरुआत करेंगे।
इन फॉर्मूलेस को आप कहीं पर भी अलग लिख लें और एक पेज पर लिख के अलग रख लें, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बुक है, आप लोग देख रहे होंगे, ये थ्योरी है। ये मैंने आपको पूरी समराइज करके वेरिएंसेस एनालिसिस बनाए हैं, देख सकते हैं आप इसे। ये डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस है सारा, जो मैंने आपको अभी समझाया है वो सारा इसके अंदर लिखा है। ये जितना आप कॉपी पे मैंने अभी लिखा था वो सब इसके अंदर है, ठीक है। चलिए तो अब कुछ सम कर लेंगे, इससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए हम देखेंगे P1 प्रॉब्लम। ये स्टडी मटेरियल की पहली प्रॉब्लम है, एक बार देख लें, ठीक है, पढ़ लीजिए इस प्रॉब्लम को। पढ़ लें एक प्रॉब्लम को। आप देख पाएंगे कि ये प्रॉब्लम आपकी आईपीसीसी लेवल की ही प्रॉब्लम है। देखिए लिखते हैं, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ